नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज देश भर के अंदर महाछठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भारत टीवी परिवार की ओर से भी महाछठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को। हम इस समय मंडोली विस्तार के अंदर यहां पर छठ पूजा को लेकर के भव्य तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार की बात करें तो यहाँ पे घाट बनवाया गया है टेम्परेरी। यहाँ पर क्या नाम है, देखने में आ रहा है कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और अपनी पूजा अर्चना करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो प्रदीप निर्मल साहब हमारे बीच में हैं। प्रदीप निर्मल साहब, सबसे पहले तो छठ पूजा पर क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? देखिए, ये हमारे जो पूर्वांचल भाइयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें बहुत ही आस्था का है। ये छठ मैया की पूजा होती है इनकी। सूर्य को अपना पानी देते हैं ये लोग, पूजा करते हैं तालाब में बैठ करके। तो मैं सबसे पहले सारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं हैं, इस मुबारकबाद है इस त्यौहार की इन लोगों को। अच्छे से इनका अपना त्यौहार मने और वे कर। पूजा भी है और साथ में तपस्या भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तपस्या है ये बहुत ही बड़ी। हिंदुओं में हमने बहुत सारे त्यौहार देखे हैं, लेकिन इससे बड़ी तपस्या नहीं देखी है कि पानी में खड़े होकर के रह करके अपनी पूजा को ये पूरा करते हैं। बहुत ही कठिन इनकी तपस्या है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो क्या योगदान दे रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर छठ पूजा पहले केवल यमुना किनारे ही मनती थी। आज दिल्ली सरकार जब से आई है, पूर्वांचल भाइयों की आस्था को देखते हुए दिल्ली के अंदर पहले 70 से 80 घाट थे, आज की डेट में 700-800 घाट दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर बनवाए हैं, जिसमें हर वार्ड के अंदर दो दो तीन तीन घाट बनवा करके हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए पूजा का व्यवस्था कराई है। और वो बहुत अच्छे से, अब बहुत दूर नहीं जाना पड़ता उनको, अच्छे से अपनी पूजा को कर पाते हैं अपने क्षेत्र के अंदर ही। हम इस समय बैंक कॉलोनी के मंडोली विस्तार पे खड़े हैं। यहाँ पे भी विवाद हो रहा था, लेकिन विवाद सुलटा लिया गया। देखिए, विवाद तो कहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो जिनका काम विवाद करना ही है। यहाँ भी ऐसा विवाद सामने आया। तीन दिन तक हमारे पूर्वांचल भाई मशक्कत करते रहे, जेसीबी रुकवा दी गई। तो वो सब दोनों पक्षों को देखते हुए विधायक जी ने अपनी सूझबूझ से दोनों पार्टियों से बात करी, भाइयों को उनको भी समझाया, इन्हें समझाया। और इस पूजा के लिए विधायक जी ने अफसरों को बुलाया, SDM साहब को बुलाया, और इनको यहाँ बुला करके ये जगह एक मुनासिब इनको दी गई और इनका छठ पूजा का प्रोग्राम यहाँ कराया गया। आज दोनों पार्टियाँ दोनों खुश हैं, आज इनका अच्छे से त्यौहार मन पाएगा। ये भी बड़ा अच्छे से खुश हैं कि आज इनका विधायक जी की वजह से, दिल्ली सरकार की वजह से इनका त्यौहार धूमधाम से और अच्छे से मनेगा यहाँ। कहा जाए कि यहाँ पे नींव रख दी गई है, आगे से अब यहीं पे ही शुभारंभ हो गया पहली बार। देखिए, ऐसा हम अभी नहीं कह सकते। कोशिश ये होगी कि इनकी छठ पूजा हर साल अच्छे से मनेगी और यहीं क्षेत्र में मनेगी। एक और कोशिश ये करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर एक परमानेंट इनको छठ घाट बना के दिया जाए, जहां मुनासिब होगा वहां बना के दिया जाएगा। विधायक जी ने हमारे ने बोला है कि हम इनको एक परमानेंट एक घाट देंगे, जिसमें हमेशा हर साल कोई अड़चन नहीं आएगी और इनकी पूजा अच्छे से होगी। वहीं निर्मल साहब, बात करें विपक्ष की और ख़ासतौर से मनोज तिवारी जी की, यमुना नदी पर भी राजनीति पूरी चल रही है। देखिए, उनको तो अपनी राजनीति करनी है, चाहे उससे पब्लिक को प्रभाव पड़े, चाहे दुखी रहे चाहे सुखी रहे। उन्हें अच्छा काम होता हुआ नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अड़चन अड़ानी होती है, उन्हें बाधाएं डालनी होती हैं। उनका काम यही है कि उनकी राजनीति चमके, कोई और काम कराए जाके खड़े हो जाएं, ये सब हमने कराया है, या अच्छे से हो रहा है तो उसे रुकवा दो फिर उसमें राजनीति करो, उनका वो काम रहता है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि हमारे पूर्वांचलियों को कुछ फ़ायदा पहुंचे, उनकी सुविधाएं बढ़ें, कोई उनका कोई कदम नहीं है। कहने को वो भी पूर्वांचली हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से। उन्हें अपनी वोट बैंक की राजनीति बनानी है और अपनी राजनीति करनी। क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे जी इनकी? बहुत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी की, और अच्छा, बहुत अच्छा कहा इन्होंने जी। और अच्छी बात है, आगे घाट बनाने की जो बात इन्होंने कही है, बनाया जाए वो जी, क्योंकि हमें आगे दिक्कत ना रहे। बिल्कुल ठीक बात। और जी, हमें क्या है कि देखो, आगे अभी इसमें दिक्कत आई है, सर ये कह रहे हैं कि विनोद जी कह रहे हैं जी आगे बिल्कुल बनाया जाए, और हमें खुशी है कि बनाकर हमें दिया जाए और आगे हम अच्छी तरीके से उसको प्रोग्राम को सफल करा जाए। फिलहाल अगर हम आज के त्यौहार की बात करें छठ पूजा की, तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जल बोर्ड का पानी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है जी, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और सब तरीके से सब कुछ हो गया है। ओके है, कोई संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। क्या शुभकामना, क्या बधाई देना चाहेंगे आज छठ पूजा को? मैं तेरसलाल प्रसाद, सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ, ये हमारे पूर्वांचल को मान सम्मान
दे रहे हैं। जब से दिल्ली सरकार केजरीवाल जी का बना, तब से पूर्वांचल को जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। और किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब से दिल्ली सरकार बना तब से पूर्वांचल की मान सम्मान बढ़ा है, घटा नहीं है। और छठ पूजा हर जगह जो भी केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार करा रहा है, उन वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। अपना पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, भक्तों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट। विधायक चौधरी सुंदर कुमार ने भी आकर के यहाँ विवाद को क्या नाम है समझाया, जी चौधरी सुरेंद्र जी का अहम रोल रहा, जिनके वजह से मैंने यहाँ, उन्होंने ही मना रहे हैं, नहीं तो कहीं और मना रहे थे कुछ लोगों के कारण वहाँ पे विवाद हो गया, जो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो हमारा धार्मिक काम है, फिलहाल छठ पूजा की तैयारी हो रही है। जी जी जी, क्या बताइए। लाल मणि जायसवाल जी, पूर्वांचल समिति के संस्थापक हम संरक्षक हैं जी। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी पूर्वांचल भाइयों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस छठ घाट को वार्ड 55 में बनाने का जो छठ घाट था, हम लोग आज 4 दिन पहले जान रहे थे कि यहाँ पूजा नहीं हो पाएगी, जो विवाद चल रहा था। लेकिन इसमें माननीय प्रदीप निर्मल जी एवं चौधरी सुरेंद्र विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है, जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और साथ में दिल्ली सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमको कोई समस्या अभी तक नहीं आई यहाँ छठ घाट में, और बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है, हर चीज़ हो रही है। कुल मिलाकर के प्रदीप निर्मल साहब ने असंभव कार्य को संभव किया, और प्रदीप जी का बहुत बड़ा योगदान है, और साथ में विधायक चौधरी सुरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों की वजह से ना यहाँ छठ घाट बन सका और आज हम पूजा कर रहे हैं जी। हाँ मैम, क्या छठ मैया से प्रार्थना करना चाहेंगे, क्या शुभकामना, क्या बताएंगे? सबसे मैं उषा राय, सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी, आज उनकी वजह से हम पूर्वांचल वालों को ये सुख सुविधा उन्होंने दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छठ पूजा की मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूँगी और सब बहुत बहुत सबको शुभकामनाएँ दूँगी मैं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्वांचल सेवा समिति की अगर हम बात करें तो पूरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, प्रदीप निर्मल साहब आपने यहाँ पे मौजूद है, सबका यही कहना कि असंभव कार्य को संभव कर पाया है, कर दिखाया है चौधरी सुंदर कुमार जो विधायक हैं उनके अथक प्रयास से, और प्रदीप निर्मल क्योंकि यहाँ पे विवाद भी था, उन्हें देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।